हेलो अवरी वन वेलकम टू द मार्केट इज वीडियो फॉर टुमारो सो इन दिस वेरी वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आर ट्रेड प्लान फॉर टुमारो इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी राइट बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस की हमने आज क्या क्या ट्रेड हमारे बने थे और क्या क्योंकि काफी सारे लोगों के क्वेश्चन थे आ रहे थे मेरे पास टेलीग्राम पे पूछ रहे थे अपने से कि, आ, सर क्यों मार्केट में यू नो सेटअप्स हमारे फेल हुए काफी सारे सो वी विल डिस्कस दैट एंड विल डिस्कस कि हम कल किस तरीके से अपने ट्रेड प्लान करने वाले निफ्टी निफ्टीन बैंक में बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो आई एम सो सॉरी टू एवरीवन कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था आप लोगों के काफी सारे मैसेज आते हैं कल कि सर वीडियो बना दो एनालिसिस वीडियो एक्चुअली थोड़ा काम में फंसा हुआ था मैं और ट्रेवल कर रहा था सो आई कुड वीडियो बट अगर कल के आपके डाउट्स हैं तो सबसे लास्ट में वीडियो के मैं वो भी डिस्कस करूंगा कल वाले जो भी सेशन था सो तो अगर आप वो देखना चाहते हो कल के जो भी डाउट्स हैं तो वो लास्ट तक तो वीडियो देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा ठीक है सो तो पहले डिस्कस करते हैं कि आज का क्या था उसके बाद हम कल का कर डिस्कस करते हैं कि कल किस तरीके से प्लान करने वाले ऑल राइट सो बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की सो so, देखो पूरी तरीके से मार्केट चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो पूरी तरीके से कंसोलिडेट था राइट पूरी तरीके से मार्केट फंसा हुआ था सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने जब मार्केट ओपन हुआ था तो मैंने आपको पहले ही अपडेट करके बता दिया था यहां पे कि ओवरऑल तो मार्केट बियरिश है बट बहुत ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है राइट right? यहां से सेलिंग प्रेशर बहुत आ रहा था 18,000 से मैंने आपको बता दिया था अपडेट करके कि छोटे छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड करना बड़े बड़े टारगेट्स यहां पे मत देखना बिल्कुल मत देखना और आप देखो वही हुआ है है ना मार्केट ने बहुत छोटे छोटे टारगेट दिए अगर आपने बुक किया तो वो अच्छी बात है देखो यहां पे हमारा एक सेटअप बना था

बट आपको पता है कि हमारा नीचे जो है ये वाला लेवल इज uh, आपको पता है कि नीचे भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था एक राइट right? तो ये भी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था so इस वजह से यहाँ पे ये बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा था यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था ये एटीन थाउजेंड सेवेंटीन थाउजेंड एट हंड्रेड का जो एरिया है पूरा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यू नो जोन है So, इस वजह से मार्केट पूरी तरीके से फंसा हुआ था ना तो सेलर्स हार मान रहे थे और ना बायर्स हार मान रहे थे इसी तरीके से पूरी तरीके से मार्केट फंस गया और यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना प्लस मैंने इस सेटअप का जो है फेल होने का रीजन यही था ये यह लेवल राइट ये लेवल ये चीज मैंने आपको पहले अपडेट करके बता दी थी टेलीग्राम पे वॉइस मैसेज में देखो लाइव मार्केट में वीडियो बना के मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता राइट right? कि सब, आपको सब कुछ बना पाऊं क्योंकि देखो वीडियो बना के अपलोड करना फिर वो सारी चीजें दिखाना मैं खुद भी ट्रेड करना होता है है ना so, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी टाइम टाइम पे अपडेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इसलिए मैं आपको टेलीग्राम पर वॉइस मैसेज में टाइम पे बता देता हूं पहले वीडियो तो मैं बाद में बना के डाल दूंगा कि देखो क्या रीजन है टाइम पे मैं पहले बता देता था कि देखो क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड मैनेज कर लो अपना क्योंकि फायदा क्या है वीडियो बना के मैं बाद में डाल रहा हूँ बाद में तो कोई भी डाल देगा है ना तो इसलिए मैं आपको वॉइस मैसेज में समझाता हूँ सारी चीजें पहले बताएता हूँ सो निफ्टी का ये रहा हुआ पूरी तरीके से कल से ही फसा हुआ है कल से ही पूरी रेंज में फंसा हुआ है अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो देखो बैंक निफ्टी में भी सेम वही निफ्टी में देखो यहाँ पे ना जब ये फेल होकर जब नीचे आ रहा था सो तो एक मैं बात कर देता हूँ एक और तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे इस इन्वर्टेड एंड हैंडल का राइट इसका ब्रेकआउट मिल जाता तो हम इसमें ट्रेड लेते बट वो बहुत रिस्की रहता रीजन क्या था

तो फिर इस लेवल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले लेते लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यू नो रेजिस्टेंस लेवल था तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे निफ्टी की अगर बात करें तो देखो निफ्टी में कोई ढंग का ट्रेड नहीं बना था पूरे दिन में uh, बैंक निफ्टी में uh, की बात कर रहे हैं हम लोग तो पूरे दिन देखो यहाँ पे पुट की पोजिशन लेने का तुक तो बनता नहीं था क्योंकि हमारे ये लेवल था और आपको पता है जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं कि जो ये गोल्डन हमारे लेवल्स होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स और यहाँ पे कोई भी इस, इसके पास पुट की पोजिशन तो नहीं बट हाँ यहाँ पे अगर कॉल की पोशन मिलती तो हम ले लेते जरूर राइट तो यहाँ पे पुट की आप जो पुराने आप मुझे का। पहले तो मैं इस वाले कपेन्डल का वेट कर रहा था कि यहां पे इस तरीके से ये कपेडल जो है ये ब्रेकआउट मिल जाए उसके बाद देखो बहुत ही अच्छा वाला ना यहाँ पे एक बन रहा था कपेनल कुछ इस तरीके से मैंने सोचा कि चलो इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तो हम ट्रेड ले लेंगे वो भी नहीं मिला फिर मार्केट ने एक दूसरा यहाँ पे बनाया ये वाला छोटा मैंने सोचा चलो इसको कपिलोकआउट दिया ये वाला ट्रेड ले लेंगे उसका भी ब्रेकआउट नहीं मिला फिर एक बड़ा और कपिल बनाया मार्केट ने कुछ इस तरीके से देखो ये वाला मैंने सोचा इसका ब्रेकआउट मिलेगा वो भी नहीं हुआ मतलब तो कुछ भी ब्रेकआउट दिया ही नहीं यहाँ पे इस चक्कर में मैं ढाई बजे तक यहाँ पे बैठा रह गया कोई ट्रेड नहीं मिला राइट पूरे टाइम यहाँ पे फसा रह गया सो एट दी एंड क्लोज करना पड़ेगा हमें ट्रेड और यहीं पर मार्केट क्लोज हो गया इन लेवल्स के बीच में सो बैंक निफ्टी में तो कुछ भी नहीं बना बहुत अच्छी बात है कि नहीं बना ठीक है क्योंकि बनता तो आपको पता है कि नीचे वाला तो बेकारी था ऊपर ट्रेड मिल जाता सो अब डिस्कस करते हैं कि कल क्या प्लान है सो देखो सबसे पहले तो मैं इसको हटा एंड लेवल्स को थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं ठीक है लेवल्स जो है हमारा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं कुछ यहाँ पे और इस वाले लेवल को हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं हम निफ्टी की बात करें सबसे पहले और ये ना लेवल जो है यहाँ पे एक ये लेवल आ जाएगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट इस, इसको काम कर सकता है और यहां पे भी देखो एक लेवल ये भी है सो so, ये भी एक प्रॉब्लम वाला एरिया है सो so, अब देखो निफ्टी की अगर बात करें कि कल हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं सो so, देखो अगर आप थोड़ा सा जूमआउट करोगे चार्ट को देखो थोड़ा सा जूमआउट करो आप चार्ट को यहां पे देखो क्या दिख रहा है आपको एक बहुत ही बड़ा वाला इस तरीके से एक इनवर्टेड कपेनल दिख रहा है राइट बहुत ही बड़ा वाला और अगर ये नीचे आता है So, काफी अच्छा वाला डाउन साइड मूव हमें देखने को मिल सकता है बट देखो यहां पे इसके पे इसके ब्रेकआउट इस लेवल के जो कि है आपका 17,865 इस लेवल को अगर नीचे ब्रेकआउट करता है 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 सो पोटेंशियली डाउन का का जो मूव तो आ सकता बट नीचे ना प्रॉब्लम बहुत सारी है नीचे यहां पे निफ्टी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं देखो सबसे पहले तो आज का डे का लो ये प्रॉब्लम करेगा बिल्कुल करेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे डे का लो था एक दिन पहले का प्लस ये वाला हमारा इंपोर्टेंट लेवल सो नीचे ना रिस्क ही बहुत है तो नीचे अगर आपको पुट की पोजिशन लेने तो आप इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट दे और फिर आप ट्रेड करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा विच इज सेवेंटीन इस लेवल को अगर नीचे ब्रेकआउट दे और फिर ट्रेड बनता है तो हमारा बहुत ही अच्छा वाला डाउनसाइड हम मूव कैप्चर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लेवल ऑफ कोर्स ठीक है सो so, इस तरीके से अगर ऊपर की हम बात करें तो देखो ऊपर यहां पे ना सबसे पहले अगर बात करें तो इस वाले लेवल को भी हम यहां पे मूव करके इस पे एडजस्ट करना ज्यादा सही रहेगा ठीक है तो ये आपका नया लेवल बन जाएगा एंड इट विल बी एन इंपॉर्टेंट लेवल अगेन ये वाला लेवल आपके लिए फिर से एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा ठीक है तो इसको मैं डार्क ये कर दूंगा ये लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे दे दूंगा डोंट वरी ठीक है सो इस तरीके से सो यहाँ पे ना अगर ऊपर की साइड का ट्रेड आपको लेना है सो इस लेवल को ब्रेक करे अगर इज अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है सो वी कैन गो फॉर अ कॉल बहुत ही अच्छे से ठीक है बट यहां पे डबल बॉटम लेना रिस्की रहेगा ठीक है अगर मान लो आप यहां पे वेट कर रहे हो इसका कि इस तरीके से एक ये डबल बॉटम बनाने आए यहां पे सो so वो रिस्की बहुत रहेगा वो फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है पहले बता रहा हूं क्योंकि देखो दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट लेवल बट ब्रेक कर सकता है ठीक है ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है इसको ब्रेक कर सकता है और ये भी इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है बट इसको ब्रेक कर सकता है बट दिखाने के भी इसके हैं क्योंकि यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट का डे लो था लेवल right? नहीं है बट मार्केट इसको करना पड़ेगा और यहां पे ऊपर तो तो आता, आता तो फिर ये कंसोल्यूशन वाला जोन है बार बार प्रॉब्लम करेगा राइट right? इसको ए, अगर मान लो इस लेवल को ब्रेक करता है ना सो तो ये एक रेजिस्टेंस काम करेगा ये वाला लेवल अगर मान लो निफ्टी इस रेंज के बाहर जाता है ठीक है अगर नीचे आता है तो ये लेवल जो है फिर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा सो so, अगर आप यहां पे कॉल पोजिशन लोगे तो ये यहाँ पे टकरा के फिर से नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे ये चीज ध्यान रखना राइट right? और इसी तरीके से इसको अगर ब्रेक करता है तो ये फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा ऊपर जाने के बाद राइट सो इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा बट हाँ इस लेवल के ऊपर ब्रेक करने के बाद एक अच्छी कॉल की पोजिशन बनेगी ठीक है सेवनटीन थाउजेंड नाइन सेवन सिक्स उसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं बन रहा है इसके बीच में तो हमें ट्रेड लेना ही नहीं है बिल्कुल अवॉइड करो में पूरी तरीके से राइट इन दो लेवल्स के बीच में पूरी तरीके से कंसोल्यूशन में सो वी वी वर आर नॉट गोइंग टू ट्रेड बिटवीन दिस लेवल्स जब तक मार्केट पे है सो so, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो so, देखो बैंक निफ्टी भी पूरी तरीके से फंसा हुआ है राइट right, बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज है कहानी बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड है दोनों साइड में ट्रेड बन सकता है चाहे अप मिले चाहे डाउन निफ्टी में देखो डाउन का प्रॉब्लम है इस लेवल तक के लिए इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड में लेकिन बैंक निफ्टी में दोनों साइड में किसी भी ट्रेड कर सकते हैं देखो बैंक निफ्टी में लेवल थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ठीक है So, देखो अगर इस वाले लेवल के ऊपर विच इज फोर्टी टू थाउजेंड थ्री वन फोर अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है इस लेवल के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है वी कैन गो फॉर अ कॉल पोजिशन और अगर इस लेवल के नीचे हमें ब्रेकआउट मिलता है तो वी कैन गो फॉर अ पुट पोजिशन बट आप इन लेवल्स का ध्यान रखना इन लेवल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे ठीक है ये सिंपल है बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी में और कुछ आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे ठीक है और हाँ आप ध्यान देना अगर ऐसा मान लो कि मतलब बहुत ज्यादा ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है और फिर यू नो रिटर्स कर तो उस चीज का आप ध्यान रखना राइट इसके ब्रेकआउट के बाद कॉल की पोजिशन इसके ब्रेकआउट के बाद नीचे पुट की पोजिशन इस तरीके से हमें ट्रेड करना है रिस्क रिवॉर्ड वगैरह का ध्यान रखना उस तरीके से देखो अच्छा दोनों साइड में बन रहा है अगर मान लो ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलता है तब भी बहुत अच्छे चांसेस है टारगेट देने के और नीचे ब्रेकआउट मिलता है तब भी बहुत अच्छे चांसेस है टारगेट देने के राइट और प्लस

यू you नो know, कल uh, क्या सिनेरियो था क्या डाउट्स थे काफी लोगों के तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं देखो कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया नो ट्रेडिंग डे था मेरा मैंने आपको सिंपली बोला हुआ था कि अगर ये हमारा जो निफ्टी है अगर इस वाले लेवल को ऊपर ब्रेक करेगा तो वी कैन गो फॉर अ कॉल पोजीशन राइट तो उसको ब्रेक निकल पाया पहली बात तो राइट right? और मैंने आपको ये भी बोला हुआ था कि अगर यहां पे डब्ल्यू Uh, you know, w के लिए ट्रेड करने बैठ हो गए यहाँ पे so, बहुत ज्यादा नहीं करना चीज बोली थी कॉल तो की क्वेश्चन so, गिरता रहा कुछ हमें मौका नहीं मिला मुझे अच्छा वाला तो मैंने ट्रेड अवॉइड किया यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड का मौका मिला बट वो भी करने नहीं आया तो यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया तो ओवरऑल एक नो ट्रेडिंग डे अगर आपने कल किया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आपके फालतू तो में यू नो ओवर ट्रेडिंग की वजह से फालतू तो का आपका लॉस होगा हो राइट अच्छा ये वाला जो डबल टॉप था इस तरीके से डबल टॉप ये हमारे एंट्री पॉइंट तक नहीं आया उस वजह से इसमें ट्रेड नहीं ले पाए अगर एंट्री पॉइंट पे आता तो हम लोग बिल्कुल ट्रेड ले ले सकते थे बट पे मार्केट ओपन हुआ और तुरंत नीचे ही गिरता हुआ गया। बिल्कुल मौका ही नहीं मिला एंट्री पॉइंट पे आने का और ना तो इसमें एंट्री बनाने का नीचे ही गिर गया तो इतना नीचे गिरने के बाद कौन ही ट्रेड लेगा है ना तो वो तो रिस्की हो जाता है मामला पूरा और कोई स्विंग वगैरह नहीं बनाया बस नीचे गिरता ही जाए अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी में भी सेम वही चीज हुई है बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बोला था कि यहां पे जाएगा तो कॉल को भी मार्केट ओपन हुआ और तुरंत नीचे गिरता हुआ चला गया कुछ भी मतलब रुका नहीं ब्रेक नहीं गया इसने बिल्कुल एकदम नीचे गिरता रहा है और मैंने इसमें भी आपको बोला हुआ था डब्लू को ट्रेड हमें नहीं करना यहाँ पे कॉल क्यूशन नहीं लेनी चीज आपको बताई थी पहले ही राइट right, तो ये था पूरा ओवरऑल सुनैरियो इसके अलावा कोई मेरा नोट रीडिंग देता सिंपली देखो आपको सिंपल से एक चीज बताता हूँ अगर आपको समझ में ना आए ना कि ट्रेड क्या बन रहा है सेटअप क्या बन रहा है तो आप ट्रेड ही मत करो आपके सेटअप्स का वेट करो ठीक है सेटअप्स जब आपके बनेंगे तो ट्रेड करो नहीं बनेंगे तो बस शांति से बैठ जाओ ये आपका रूल अगर आप ये यू नो आ, इसको अपने ट्रेडिंग में लेके आ जाते हो

बेकार है फसोगे फालतू में अगर लॉस कभी फंस गए ना गलती से उसमें तो तगड़ा वाला लॉस हो सकता है उसमें ठीक है सो ध्यान रखना इस चीज का सी यू गाइस टुमारो ऑल द बेस्ट